पाकिस्तानियों को राधे राधे भी दिखा दे। बकवास करते हैं सारे, हम उनके बात ही क्यों करें, वो तो बकवास कर रहे, वो तो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान तो वो खुद होंगे। अब ये है आपको दिखाऊं, ये जो मेरी चोट है ये जन्म से है, ये ठीक है ये मिट गई, और कल की चोट जो ये दिखा रहे हैं उल्टा सीधा करके वो संग संग मिट जाएगी गलत, और दरअसल की अभी तक नहीं मिटी है, बचपन में लगी थी ये मेरे चोट यहाँ पर। भाई ये सनातनी का खून है और ये सनातनी का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ है, हाथ है जब पड़ता है ना तो आदमी का आकार भी बदल देता है। तो पाकिस्तान को हिला दूंगा अगर ऊंचा नीचे बोला आप तो। हाँ सनी देवल ने तो ना लुखारा था, मैं पूरा पाकिस्तान उखाड़ दूंगा। कोई काम धंधा करेंगे जैसे, कोई फिलहाल सब कुछ ठीक तो हो जाए, लोग कोई कहाँ से धमकी देता है, कोई कहाँ से धमकी देता है, डर के मारे मैं इनको कहीं नहीं जाने देती, मुझे हम कार्रवाई पूरी नहीं होगी तक मैं घर में रहूंगी जी। और मैं फ्यूचर में भी हाउस वाइफ बनने का ही पूरा प्लान है कि हाउस वाइफ ही बनना है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं। कह रहे हैं हम बाहर जाने की इच्छा तो सबकी होती है, मेरी भी इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊँ, प्रेम मंदिर जाऊँ, राम मंदिर जाऊँ, पर फिलहाल जब तक हमारी ये कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक मैं, क्योंकि मैं कानून को फॉलो कर रही, मैंने आज तक अपनी गेट से बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि मुझे मना किया गया कि आप घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, आज तक 8 से 9 महीने हो गए मैंने अपने गेट की गली नहीं देखी कि कैसी है, क्योंकि मैं अपने कानून फॉलो कर रही हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सीमा कानून के ये करे कानून का वो करे, पर कभी भी नहीं मैंने अपने कानून को फुल फॉलो किया, छत से कमरा, कमरे से छत तक, अगर हमारी कोई भी वीडियो आप देखोगे कमरा और कमरे से छत तक की वीडियो है, क्योंकि मैं अपने भारत का कानून फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ जीना मरना मुझे यहीं पर है, मेरे बच्चों का भविष्य यहीं पे है, मैं नहीं जाती, मेरे पति पे इतनी भी आंच है तो अभी फिलहाल कहीं नहीं जाते, घर पे रहते हैं, मेरे साथ हेल्प कराते हैं, और हमारा यूट्यूब अकाउंट, इंस्टा, फेसबुक जो चल रहे हैं अच्छे से, फिलहाल पति को और हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह से मेरी सुबह शाम बात होती रहती है, यहाँ फुल सिक्योरिटी है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर यहाँ मक्खी उड़ती है ना तो वो भी थाने में पता होता है कि हाँ यहाँ मक्खी उड़ रही है, तो इस उनको यही मैं बता दूं कि यहाँ इतनी सी बात भी नहीं हो सकती, और मेरे सचिन जो है मेरा जी जान से ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो सचिन जी की तो ये आदत ही नहीं, जब ये किसी को गाली नहीं दे सकते तो मार कैसे सकते हैं, सोचने की बात है। वो तो सबको ही लगेगा, दरअसल में जब मैं बाहर जाता हूँ जैसे मथुरा वृंदावन में बच्चों को लेकर गया था, तो मुझे, मैं भी इससे ये कह रहा था इनकी इज्जत तू ही नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊँ, तो फिर भी इसने मैं जबरदस्ती भेज दिया था, मैंने तुम जाओ और बच्चों को घुमा कर लेकर आओ, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं बच्चों को घुमा कर लेकर आया, पर कानूनी कार्रवाई है तो एक तो करनी पड़ेगी। जब तक मर जाओ मिट जाओ पाकिस्तान को तो मैं नाम सुनना पसंद नहीं करती, जाना तो दूर की बात, उनके साथ में लाइव बैठना, लोग कहते हैं इसके साथ लाइव बैठो, इसके साथ रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनका नाम सुनना पसंद नहीं करती, लाइव आना पसंद नहीं करती, उन इंसान वहां जाना पसंद नहीं करती, नाम सुनना तक पसंद नहीं करती, लोग कह रहे पाकिस्तान के लिए रो रही है, जो भारत में मुझे खुशी, मेरे बच्चों को खुशी, सुकून, रिस्पेक्ट मिली है ना, मैं घर में हूँ, कभी बाहर नहीं जाती, फिर मैं इतनी खुश रहती हूँ, ये पूरा घर संभाल रही हूँ, कृष्ण जी को भोग लगा रही हूँ, जो भी होता है पूजा पाठ सब मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि सारा परिवार तो चला जाता है कटाई करने के लिए, हमारे गेहूँ कट रहे हैं, तो अब पूरा घर मैं ही संभाल रही हूँ, मेरा अगर पूरा परिवार होता तो मैं आपको भी दिखाती सबको, सब हमारे परिवार के लोग अच्छे, हमारी मम्मी, हमारी जिठानी, हमारी नंद, हमारे पापा तो महान इंसान है, जिनका नाम लेके वो गाली देते वो महान इंसान है, उन्होंने हमें परिवार दिया, हमें प्यार दिया, हमें स्वीकार किया, मुंह है, यही तो होता है जानवर और इंसान में फर्क, इनके पास भी मुंह है, अगर गाली देने को ये भी उनको दे सकते हैं, बट नहीं आज तक नहीं देंगे, वो पाकिस्तान के लोग एक झूठों के कर रहे हैं ना कोशिश, वो सब मिलके कर रहे हैं, उन लोगों की कोई चाल नहीं चली तो अब यहाँ तक गिर गए, फ्यूचर में तो पता नहीं कहाँ तक गिर सकते हैं, हमें कमजोर करने के लिए, हमारे रिश्ते को कमजोर करने के लिए, मैं अगर सचिन के पास आई थी तो कुछ सोच के आई, और सचिन ने अगर मुझे बुलाया था, सचिन ने मुझे रोता देखा था, सिसकता देखा था अकेले, ये सोच के सचिन ने मुझे बुलाया, सचिन मेरे दुख सुख का साथी है। डॉक्टर एपी सिंह, आपके बाबा से, आपके भाई से आपकी बात हुई कभी? नहीं, जो हमारे बाबा हैं, हमारे बाबा हैं। अच्छा, आपके बाबा, अच्छा अच्छा पाकिस्तान में मेरा रिश्ता बचा ही नहीं था, मेरे पापा खत्म हो गए, मेरी माँ मर गई, मेरे दादा मर गए, सब मर गए थे वहाँ, यही बहने थे जिनकी शादी हो चुकी, मेरे तो वहाँ ट्यूशन पे गए हुए, 4 बजे वो ट्यूशन पे जाते हैं, तो मेरे चारों मुन्नी भी ट्यूशन पढ़ रही है, तो 4 बजे भी ट्यूशन पढ़ने गए हुए बच्चे, अभी अभी स्कूल में तभी जो है उन्होंने यहाँ पे किया है और ट्यूशन पढ़ रहे हैं प्रॉपर, अभी जो है ना स्कूल बंद है ना, तो अभी बीच में बंद हो गए, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये स्कूल खोलेंगे तो स्कूल।
क्योंकि अभी नया साल है तो अभी से उनका शुरू होगा, तो इस साल ही पेपर देंगे वो। आज वो खुद तलाक देके पछता रहा है, तो उल्टे इल्जाम लगा रहा है सचिन पे। तो वो जो है ना मुझे झुकाने की कोशिश कर रहा है, जितने भी पाकिस्तान में मेरे और सीमा के विरोधी है ना सारे एक मिल जाओ और एक हेला सचिन काफी है तुम्हारे लिए, जाओ झुका के दिखाओ एक हिंदुस्तानी नागरिक को, झुका कर दिखाओ। बिल्कुल, और जी बिल्कुल हमारी पेमेंट आ रही है, हमारा घर परिवार सब अच्छे से चल रहा है, हमारे बेटी को, मेरा परिवार, मेरी मीना फैमिली इतनी अच्छी है ना, मेरे बच्चों को अपने स्वीकार किया उन्होंने, इतना प्यार देते हैं बच्चों को, कभी मेरे बच्चों को फील नहीं हुआ कि उनके शायद सगे दादा दादी नहीं है, इतना प्यार देते हैं, इतना इतना ज्यादा प्यार, और जो मेरे लिए मीना जी ने किया वो कोई किसी के लिए कर नहीं सकता, मेरी जान भी इनके लिए हाजिर है, बट जो सचिन मुझसे मोहब्बत प्यार करते हैं इतना सब, इतना हैदर करता ना तो शायद इतनी चीजें ना होती। हमारे कमरे में सीसीटीवी, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो कि हमारे पास भी चलते हैं और थाने में भी चलते हैं, तो ऐसा आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश, योगी महाराज जी का राज, यहाँ इतनी सी चीज का भी हिसाब लिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी सी भी चीज नहीं है, फेक है, सरासर हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मेरे पति को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये मैं भी उनको कहती हूँ, तुम लोग हमारी मोहब्बत को कमजोर इन रगों में ना हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है। उन विरोधियों को, उन साजिशकारों को मैं यही बताऊंगी, तुम्हारे कोई भी चाल चल रो, मैं और सचिन हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेंगे और तुम लोगों के दिल जलाते रहेंगे। जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर बकवास करते हैं, जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमेशा फेल होते आए हैं और फेल होते ही जाएंगे। कोई भी हैदर जैसे फालतू लोग, पाकिस्तानी फालतू लोग, यूट्यूबर जो बकवास करते हैं, उनका बकवास यहाँ नहीं चल सकता। मैं आपको एक बात वाजे तौर बता दूं, हमारे पास दो पुलिस वाले, एक लेडीज, एक महिला और एक आदमी, दोनों यहाँ अवेलेबल, दिन को अलग रहते हैं, रात को अलग रहते हैं, और पूरे घर के, गली के आगे हर जगह कैमरा लगा है, और देख सकते हो आप सभी, और ये डेटा पूरा रिकॉर्ड होता है, ये सिर्फ हमारे पास नहीं, हमारे रामपुरा थाने में भी इनका जो लिंक है वहाँ भी ऑनलाइन चलता है ये सारा डेटा, तो वो लोग ये सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में अगर कोई मक्खी भी आती है तो थाने में पता पड़ जाता है कि हाँ ये मक्खी इनके घर में उड़ रही है। अक्सर रहते हैं, दिन को अलग ड्यूटी वाले रहते हैं, तो हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कोई भी हमेशा धमकियां तो हमें मिलती रहती है, इसी वजह से हमारे घर में हमेशा सिक्योरिटी रहती है, और हमारा परिवार इतना अच्छा परिवार है कि हम एकजुट होते हैं हमेशा, तो आज तक ऐसी नौबत आई नहीं। लोग इतने बेशरम हैं वो पाकिस्तानी, मेरे प्यारे भाई डॉक्टर एपी सिंह वकील जो है, उनके लिए कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। स्पेशल हैदर को मैं ये कहूंगी, तुम मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह को उल्टा सीधा बोलते हो, गालियां देते हो, तुम अपनी औकात तो देखो, वो कितने बड़े हैं उनसे, हाँ उनकी कितनी इज्जत है, उनकी औकात वहीं पता पड़ जाती है जब मेरे भाई वकील डॉक्टर एपी सिंह को उल्टा सीधा बोलते हैं तब। हाँ, मैं पहली बात, ये जो वीडियो चलाई है ये सारी फेक है, और जो इन भेड़ियों ने जो उल्टे सीधे ये भेड़िए बोलते हैं, भेड़िया है, भेड़ी, और उनकी आंख फूट नहीं गई है, और देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आए दिन, हमारा भी YouTube अकाउंट है सीमा सचिन 10 के नाम से, और हम आए दिन हर दिन डेट बाई डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, रोजीना हम लगातार रोजीना एक दो वीडियो जरूर डालते हैं, हमारे दो लगातार वीडियो देखते आए हैं, अकाउंट है, और बबीता चार पांच परिवार के सबके अकाउंट, सब में मेरी एक वीडियो डेली की रहती है, और हमारे अपने अकाउंट पे हर दो घंटे में एक वीडियो छोड़ती हूँ। सीमा सचिन टैन और एक सचिन जी के नाम से दो अकाउंट है हमारे, लगभग एक पे तो 14 लाख सब्सक्राइबर, एक पे 3 लाख सब्सक्राइबर है, तो दोनों पे हमारे आए दिन, दिन में 10 वीडियो हम छोड़ते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं गया तब से लेकर जब से मैं यहाँ आई हूँ कि हमारी कोई वीडियो ना गिरी। ये तो क्या है, वो तो बाबा को गाली देते हैं, इनमें उनकी औकात का पता पड़ जाता है। मेरे ससुर जी, मेरे पापा बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको गालियां देते हैं, उनकी औकात का पता पड़ जाता है, गालियां देने को तो मैं, हमारे पास मुंह है, इनके पास सारा कुछ फेक है, सारा मेरे पति पे इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है, हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, साजिश है, पाकिस्तानी फालतू यूट्यूबर्स की ये साजिश है कि मैं और मेरे सचिन जी का रिश्ता है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। आज तक उन्होंने हर चाल चली है, हम किसी चाल पे नहीं झुके हैं, तो इन्होंने हद कर दी, अब हमें इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। सीमा सचिन का प्यार था, है और हमेशा रहेगा। अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो तो बताना कि हाँ, घंटे दो घंटे में लगातार, और ये चोट जो दिखा रहे हैं ये उल्टी सीधी बनाकर भी नहीं है, ये देख ले हैदर किसका नाम है सचिन का नाम है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एडिटिंग करके हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और दरअसल ये है ना, जिस तरीका की आंख हो रही है, आंख कर रहा है, बना रखी है भेड़ियों ने, तो उस तरीका की देख सकते हैं, अलग ही दिख जाएगी बिल्कुल।
और चोट जो है एकदम से गायब नहीं होती, एक सेकंड में, एक दो मिनट में गायब नहीं होती, कहीं भी कोई चोट नहीं है। आप कितना भी जूम करके दिखा लें, कहीं भी कोई एक कोई भी चोट होता है उसको मिटने में समय लगता है। तो आज तक हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक की आईडी पे एवरी डे 10 वीडियो में गिरती हूँ शॉर्ट, मतलब कैसी शॉर्ट गिरती रहती हूँ, तो एकदम से तो कोई चोट मिटती नहीं है।